हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। समझ तो गई होंगे आप कि हम क्या बनाने वाले हैं। घी निकालने के बाद जो खुरचन बचती है, आज हम उसकी बहुत बढ़िया से मिठाई बनाने वाले हैं। इसको हम फेंकेंगे नहीं। घी हमने कैसे निकाला है इसका वीडियो मैं पहले से अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं कितनी आसानी से मैंने ढेर सारा घी निकाला है। और उसके बाद जो मटेरियल बचा है उसका, उससे मैं आज बनाने वाली हूँ मिठाई। और कोई ख़ास चीज़ मैंने डाली थी जिससे घी बहुत ढेर सारा निकला, तो आप भी जानना चाहते हैं कम से कम मलाई में ज़्यादा से ज़्यादा घी निकालने की ट्रिक, तो मेरी वीडियो को ज़रूर देखें जाके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं अपनी ये खास मिठाई जो बची हुई खुरचन से बनने वाली है। तो यही खुरचन है वो जिससे हम बनाएंगे वो मिठाई। इसके लिए हमने एक पैन में एक चम्मच सूजी डाल ली है। चम्मच बड़ा वाला था तो मैंने एक चम्मच सूजी डाली है और बिना घी डाले हम इसको भून लेंगे। और उसके बाद जो अपनी खुरचन बची थी उसको हमने डाल दिया। देखिए हमारी छन्नी में थोड़ा घी लगा भी रह गया, क्योंकि ठंडा हो गया है ये, तो इसमें थोड़ा सा नीचे घी रह गया था। अब इसको मीडियम फ्लेम पे ही हम अच्छे से भून लेंगे, ताकि सूजी और ये हमारा जो बचा हुआ खोआ है, इसको खोआ ही कहेंगे क्योंकि दूध में से निकला हुआ है, मलाई का पार्ट है, तो ये बचा हुआ खोआ ही कहा जाएगा। और इसमें हम डालेंगे एक कप मलाई वाला दूध, क्योंकि सूजी को फूलने के लिए, पकने के लिए कुछ तो मॉइस्चर चाहिए, तो हमने सिर्फ एक कप मलाई वाले दूध का यूज़ किया है। और धीमी फ्लेम पे ही इसको हम आपस में उलटते पलटते मिक्स कर लेंगे और हमारी सूजी अच्छे से पक जाएगी। उसके बाद हम जिस चम्मच से सूजी लिया था उसी चम्मच से एक चम्मच चीनी ले लेंगे। मीठा ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि जो हमारी ये खुरचन है वो पहले ही इसमें स्वीटनेस होती है, तो बहुत ज़्यादा स्वीटनेस डालने की हमको ज़रूरत नहीं है। तो बस अब सारी चीज़ें पड़ चुकी हैं और इनको हम धीमी आंच पे धीरे धीरे 2 से 3 मिनट तक कुक कर लेंगे और हमारी मिठाई बनके रेडी हो जाएगी। तो बस ये रेडी हो चुका है, देखिए इसमें मॉइस्चर है। इसको थोड़ा देर और कुक कर लेते हैं हम, ताकि थोड़ा इसका टेक्स्चर और टाइट हो जाए, शुगर, सूजी और मलाई सब आपस में एक दूसरे से मिल जाए। तो देखिए हमने इसको निकाल के एक प्लेट में सेट कर लिया है। इसको हम फ्रिज में रखेंगे आधे घंटे के लिए और बस हमारी मिठाई रेडी हो जाएगी। आधा घंटा लगभग हो चुका है और हमारी ये मिठाई बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसको चाकू की मदद से किनारे किनारे पहले हल्का सा इसकी एजेस को फ्री कर लेते हैं, उसके बाद हम ये पिज़्ज़ा कटर की मदद से अपने मन मुताबिक पीसेस में काट लेंगे। मैं स्क्वायर में काट रही हूँ, आप चाहें तो ट्रायंगल काट सकते हैं या स्क्वायर काट सकते हैं या फिर डायमंड शेप में काट सकते हैं, जिसमें आपको अच्छा लगे। तो अब ये कट चुका है और देखिए इसकी पीसेस आराम से निकल जा रही हैं। कितना अच्छा ये देखने में लग रहा है, उतना ही अच्छा ये खाने में भी लगता है। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कुछ ड्राई फ्रूट या फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ओरिजिनली ही इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए 15 दिन की मलाई से मैंने घी भी निकाल लिया और इतनी ढेर सारी मिठाइयाँ भी बना ली। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और सब्सक्राइब करते हुए जाएँ। थैंक